नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। चैनपुर थाना क्षेत्र के भगत बुकमा गांव में डबल मर्डर। डायन बिसाही के शक में आकर अपने ही बड़े पिताजी व बड़ी मां की हत्या कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर दी गई, जिसके बाद लगभग 10:30 बजे आरोपी ने थाने में आकर सरेंडर कर अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसके बच्चे काफी दिनों से बीमार रह रहे थे, जिससे उस सफलता की बड़े पिताजी व बड़ी मां डायन बिसाही लगाकर बच्चों को बीमार कर रही है, जिसके बाद शुक्रवार देर रात लगभग 9 बजे दोनों दंपति की हत्या कर दी गई। बड़ा पापा का हो रहा है बोल के उसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाए, तो थोड़ा सा उसको देखा, फिर भी वो कुछ नहीं। वही लोगों को बार बार ढूंढती है और वो लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग खाइए जाएंगे ऐसे बोलते हैं वो लोग। हम लोग क्या करेंगे, फिर मेरी माँ है, बेटी है बोल के, माँ को तो कुछ नहीं, तो हम लोग को तो मेरी माँ बोली कि हम आ रहे हैं, तो हम लोग अंदर में बैठे, वो ऐसी ही हो रही थी, उसी को बुला उसे, तो माँ गई बुलाने, माँ का कादी माँ हुआ, माँ वहीं पर कुछ करती, फिर आके बोले हम खाना चाह रहे हैं। तो माँ अकेले गई थी? माँ अकेले गई थी सर, हम लोग कोई नहीं गए थे, भैया लोग, हम लोग सब, मेरी बहन को यहाँ पर सब। तुम्हारा पापा? मेरा पापा तो रहता ही नहीं सर, मेरा पापा तो कब को माँ को छोड़ के दूसरा गांव चला गया। भाई है, तुम्हारा भाई साथ है गया था तुम्हारी माँ के साथ? नहीं गया था सर, मेरा भाई लोग तो हम लोग इसको देख रहे थे। मेरा भाई बोला जाइए माँ बुला के लाइए, हम जाएंगे तो ज्यादा बात बढ़ जाएगा, आप ही जाइए। मेरी माँ गई वहाँ पर, अब का हुआ सर, हम लोग नहीं जाने। आई तो यहाँ से कुछ टंगिया आ रही थी, हम लोग बोले देखना माँ मत कुछ करना, ऐसा कुछ मत करना, हम लोग को ये ऐसे हो रही सर, इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है बोल के हम लोग इसको देख रहे, तो हमको लगा माँ ऐसे नहीं करेगी, क्या पता है सर किसका दिमाग कब फिर जाए। माँ ने वैसे कर बोल रही हम खाना जा रहे हैं, आई फिर बोल हम घर नहीं घुस रहे, मेरी बेटी को देखना हम खाना जा रहे हैं, वो निकल गए। उस समय टंगिया पकड़ी थी? हाँ, उस समय सब कुछ पकड़ के लेके गए सर, सब कुछ उस टाइम पे ना पकड़ के सब कुछ लेके गए। तो अकेले जब जा रहा था तो तुम्हारा भाई भी गया? हम लोग साथ में नहीं गए, भाई साथ में नहीं गया, बाद में हम बोले कि दौड़ा हम भाभी लोग बोले जाइए ना भाभी कहाँ जा, रोकिए ना बोल के हम ही बोले, तो ये लोग थोड़ा दूर गए था तो माँ तो चल गई थी, तब तक ये लोग रिटर्न आ रहे तब तक तो आप ही फोन वो सर लगा गए थे, वो लोग पूछताछ कर रहे हैं कहाँ हुआ, वो लोग ऐसे ही बताए सर, जो हुआ है वही बताए, हम लोग को नहीं पता था कैसा हो। तो रात में घटना घटा जो थी वहाँ, हम लोग को मेरी माँ आके खुद बता रही है, मार दिए, हम मार दिए बोल के, खुद आके बोल रही है मार दिए दोनों को बोल रही है। हम लोग बोले काहे मारी, क्यों मारी बोल के, हम अपने माँ को बोल तुम लोग मुझे कुछ मत बोलो, हमको जो अच्छा लगा हम किए, हम जा रहे हैं थाना, ऐसे बोल के वो चल गए। मैं हम भाभी को बोले जाइए ना भाभी देख के आइएगा, इतना रात में कहाँ जाएगी 9-10 बजे, ऐसे बोल के बोले थे, तो भैया लोग और वो दीदी है वो लोग आधा दूर तक रास्ता तक गए थे, लेकिन बोल रही नहीं दिखी माँ तो रिटर्न आ रहे, तब तक सर लोग आ गए रात में ही। कल तारीख 22/4/2022 को दिन शुक्रवार में हम लोग 12 बजे लुंद्रा चिंक बड़ाइक और रविंदर चिंक बड़ाइक के आपसी में जो झगड़ा था उसके बारे में वो लोग हम लोग से बोलने के आधार पर हम लोगों ने बैठक किए थे, और दोनों पार्टी का ये मामला ये हुआ कि ये लोग डायन बिसाही के ऊपर अपने आपस में ये लोग लड़ने लगा, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई इस तरह जो नहीं गाँव वाला गाँव में रहते हो, सुखी से बढ़िया से रहो, आपस में तालमेल रहो, ये सब के छोटे बेकार बात वाला बात मत करो, और जो भी आप लोगों का झगड़ा है उसको निपटारा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इन लोगों ने आपसी विवाद को ये लोग बढ़ाते गए और हम लोगों का बात को नहीं माना, नहीं मानने से हम लोगों को लगा कि हम ये इन लोगों को समझाना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को ये करने के लिए तैयार हो गए, और ये लोग भी अपने से जा करके दोनों थाना लुंद्रा चीख बड़ाक और ये उसकी पत्नी दोनों थाना गए थे, उसके बाद थाना में ये लोग रिपोर्ट किए होंगे, क्या किया हम लोग को पता नहीं, लेकिन वहाँ से आने के बाद पता चला कि रात को ये लोग मारपीट हुआ और दोनों का इस प्रकार की घटना घट गई। का नाम? मेरा नाम किशन भगत है। लोग धमकाया, लेकिन भाई हम लोग
गांव में रहते हैं तो इस तरह से धमकाने से काम नहीं चलेगा। और जितना भी आप लोगों का झगड़ा जो विवाद है हम लोग तैयार हैं, लेकिन नहीं मानो तो हम लोग से बस से बाहर है। इसलिए हम कल मीटिंग किए थे 12 बजे। जैसा आपको इच्छा वैसा बिल्कुल है। हमको बोला कि इस बात है जो के तो वुमन जैन भी सही धारा थे, लेकिन अजा हमारे तनी बैठक हो जाए ठीक है के बैठा हुआ भैया ने कहिया मारो पीट हुई जब देख दे ठीक है। वो बात हुई ना, अब घंटी डोला के लिए भी आदेश करने खाने घंटी भी डुल गई दिनों। हम घंटी डुलवार कर बाद में सब तो यहाँ जमा हो गई जीवन के समझाई बुझा के फिर काल से हॉल है पर नगद रहता बैठता उठता सबका से मिलता जुलता और समझाई जो हम है नहीं बात करने लगा और उनके ऊपर भी टूटा पर वही सामने बैठे थे उसके लिए हम कहा क्योंकि अब वहाँ से उठ के बड़ा सा लाठी को पकड़ा और डूरा बड़े को एकदम मारने के लिए एकदम डूरा रह गया। डूरा डूरा आया और पटक के अपने गिर गया, दोनों गिर गया और उसका कालीन गला दबाया था कि कहाँ दबाया था हम तो बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। उसके बाद वो लोग थाना गया, उसके बाद वो यहाँ से अच्छा तब तुम्हारे ये फैसला नहीं हुआ थे तो हमारे से नहीं पार तुम्हारे मन के फैसला कर जो हमारे बातें ही नहीं सुनल है तो तुम्हारे मन के हमें कहा नहीं फैसला करो ये नहीं हमें जब तुम्हारे मन वर्दी है छुट्टी है तुम्हारे देश से भी आगे बढ़ा लगा और सल्टन हो गए सल्टा थी भी हम तुम्हारे तोहर विचार कहीं के छोड़ दिल हम जाए। क्या नाम हूँ आपका? जयराम राम का ग्राम प्रधान जयराम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।